नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर सरा हटकर सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद सहारनपुर के सरथावा थाना क्षेत्र के गांव पिलखनी में सरकारी गेहूं चावल के गोदाम पर चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चौकीदार पाल्लू पुत्र मंगलू निवासी गांव पिलखनी है। चौकीदार की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया, जिस पर परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर जाम लगाने का प्रयास किया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को आर्थिक मदद व ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं एसपी देहात ने बताया कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मामले हो गए हमारे यहाँ चाचा जी रात नाइट में चौकीदार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुबह जब 5 बजे बैठे थे खाट पे आएगी और इधर से गाड़ी वाले आए, गाड़ी वाले ने ठोक दिया। अब यहाँ पे हम मालिक की मांग करें, ना मालिक आ रहा ना जिनके पास ये काम करता वो मालिक आया। अभी तक पुलिस की ओर से लगे आप गाड़ी हटवा दो, हमने भिजवा दो लास्ट को पोस्टमास्टर के लिए भेज दो। तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि जब तक मालिक नहीं आता और जो जिनकी तरफ काम करते वो नहीं आते, तब तक हम ना तो लाश जाने दे ना गाड़ी जाने दे। कुमार, क्या मामला हुआ है गांव में? ये सर सुबह के टाइम ये यहाँ पे चौकीदार था, चौकीदारा करता था जुनेजा साहब का, जो यहाँ ट्रकों के मालिक है उन्होंने चौकीदारे पे रखे हुए थे ये। तो सुबह के टाइम एक ट्रक आया और ट्रक ने आते टाइम सीधी टक्कर मार दी, सर कुचला हुआ बहुत बुरी तरीके से। हमारी मांग तो यह है, देखो एक तो परिवार को आर्थिक रूप से मदद हो, क्योंकि इसकी इतनी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है। एक घर में रहने के लिए मकान नहीं, कच्चे मकान में रहते, छप्पर में छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, बिटिया कमाने वाला घर में कोई नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, लड़कियां हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनके भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद हो, इनकी बिटिया की शादी हो, आगे इनको जो भी सहायता हो इनको पूरा इंसाफ मिले। और ये मतलब जो भी कार्रवाई है जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें चौकीदार की मृत्यु हो गई, वैधानिक कार्रवाई की गई, ट्रक पकड़ लिया गया, चालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया। जिला चिकित्सालय स्थित महिला चिकित्सालय के नए भवन में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कुर्सियां दान की गई। इस दौरान सभी संस्थाओं के पदाधिकारी और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं सभी ने चिकित्सालय में मरीजों और तीमारदारों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तो उससे ऐसा एहसास हुआ कि यहां पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक मन में विचार आया कि यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था के लिए बेंच कराई जाए। इससे मैंने जन सहयोग से, कुछ लोगों के जन सहयोग से इसमें 10 बेंचें लगवाई हैं और उन्हीं का उद्घाटन माननीय एडीएम प्रशासन द्वारा किया गया है और हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि संभवतः और लोग भी इसमें प्रयास करेंगे। जो उनके सौजन्य से उन्होंने अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए बैठने के लिए जो है बेंचेस डोनेट कराए हैं। और इसका ये था कि जो अस्पताल बहुत बड़ा है तो यहाँ पर बहुत लोग जो खड़े खड़े घूमते रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी उनके तीमारदारों के लिए। और ये बेंचे नीचे ऊपर सभी जगह लगाएंगे। और दूसरा इसे एक हर्ष का विषय ये है कि इसका जो है हमारे पहले सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, अब एडीएम ही हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो रोगी कल्याण समिति है इसका ये मतलब होता है कि हम अपने अस्पताल को जो हमारे शहर का या जहाँ का भी अस्पताल है वो वहीं के जनप्रतिनिधि का जितना अच्छा योगदान रहेगा वो अस्पताल उतना ही बढ़िया चमकेगा। तो ये इसी का द्योतक है और हमें बहुत खुशी है। शासन द्वारा 31 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर एसएसपी अनंतदेव तिवारी का भी तबादला एसएसपी कानपुर के रूप में किया गया है, जिसके चलते बुधवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराम कॉलेज में एसएसपी अनंतदेव तिवारी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह का आयोजन पैगाम में इंसानियत सहित नगर की सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया, जहां सभी ने एसएसपी अनंतदेव तिवारी को भावभीनी विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान सभी ने एसएसपी अनंतदेव तिवारी के कार्यकाल की सराहना की और उनके कार्यों का बखान किया। वहीं एसएसपी अनंतदेव तिवारी ने जिले के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ये इवेंट जो है
श्री अनंत देव तिवारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के विदाई समारोह का सेकुलर फ्रंट के संयोजक गौहर सिद्दीकी, पैगाम इंसानियत और प्रयत्न संस्था की तरफ से किया गया है, जिसमें शहर के सभी सम्राट नागरिक और विभिन्न संगठनों व संस्थाओं ने भागीदारी की है और सभी लोग श्री अनंत देव तिवारी जी को प्यार और मोहब्बत के साथ इस शहर से विदा करने के लिए इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया है। लगभग 15 महीने का कार्यकाल श्री अनंत देव तिवारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का रहा है और बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। सौहार्द की दिशा में अपराध मुक्त प्रदेश हमारा देश और हमारा अपराध मुक्त जो प्रदेश और देश हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ख्वाब है, सपना है, उसे सच किया है यहाँ अनंत देव तिवारी जी ने और पूरे हमारे ज़िले को अपराध मुक्त बनाने में बड़ी मेहनत की है। देखिए, क्राइम में काफ़ी फ़र्क आया है, स्तर काफ़ी क्राइम का गिरा है। अपराधी जो थे उनके कम से कम एनकाउंटर में किसी को लंगड़ा किया गया है, किसी का एनकाउंटर, लगभग 8 अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं और अपराध में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है और लोग बड़े अच्छे माहौल में हमारे शहर के और ज़िले के रह रहे थे। बुधवार को छपार स्थित खुड्डा बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर की मौजूदगी में चलाया धरना काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान जेई और एसडीओ को बंधक बनाकर कड़ी धूप में बैठाया गया। वहीं किसानों ने कई मांगे रखी, जिसमें बिजली के बिल ठीक करने, जो मीटर रीडिंग गलत दे रहे हैं उन्हें चेक कराने और बदले जाने, किसानों पर बकाया बिल के चलते मुकदमा कायम न करने की भी मांग की गई। चौधरी संजीव तोमर ने कड़ी शब्दों में चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के अंदर इस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत 1 महीने के बाद मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अम्बावत को बड़ी सफलता मिली, जहां अधिकारियों ने उनके सभी मांगे मान ली। इस मौके पर मुख्य रूप से युवा जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमीर अहमद, सतीश बिरालजी, नईम अहमद, विक्की तोमर, राम सिंह गौतम, अनिल धामा, अनिल त्यागी, पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष अजय त्यागी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष आशीष शर्मा, चेरू, इर्तिजा, इकराम, पवन, मोनू, पप्पू, शाहजफर, शुभम त्यागी, कल्लू, बाबर प्रधान, उस्मान इनाम, सलीम, मुनीर, मोहम्मद इनाम आदि लोग मौजूद रहे। आज धरना बिजली घर पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण बिजली विभाग कर रहा है। अब मामले जो भी बिजली के बिल हैं सब में गड़बड़ है। किसान भुगता 500 रुपये की बिल आ रहे हैं उस पर 3,000 रुपये के, और जो तुम्हारा लाइनमैन है या कोई भी अधिकारी बिजली विभाग का बिना पैसे कोई काम नहीं करा जा रहा। और मेन मांग ये है कि अगर बिल ठीक ना हुए और जो मीटर ज़्यादा बिजली दे रहे हैं ठीक ना हुए तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता 1 महीने के बाद उन मीटरों को खाड़ फेंक देगी। इन्हीं मांगों को लेकर एसडीओ और जेई को बंधक बनाया कड़ी धूम में धरना अभी तक जारी है। तो एसडीओ और जेई ने कोई अभी आश्वासन नहीं दिया आपको? नहीं नहीं, कोई आश्वासन अभी नहीं मिला। जब तक कोई मजबूत आश्वासन ना मिले तो धरना जारी रहेगा, चाहे 1 दिन हो जाओ, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। यह धरना 3 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, जहां मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ये पुरानी पेंशन बहाली मंच के तत्वाधान में सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी, सभी शिक्षक और सभी अधिकारी मिलकर का 3 दिवसीय धरना है ये। और हम लोग सुबह हस्ताक्षर पंजीकरण में हस्ताक्षर करने के बाद हमारा कार्य बहिष्कार है। सब लोग 3 दिन तक यही कचहरी के प्रांगण में बैठेंगे और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन जैसे पुराने कर्मचारियों को मिलती है, इसी तरह से 2005 के बाद के जो भर्ती कर्मचारी हैं उन्हें सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था इसी तरह से दिलवाई जा और उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जा। ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ संयुक्त कर्मचारी परिषद संघ के तत्वाधान में एक महासंघ का गठन हुआ, जिसमें हमने सरकार को चेताया और 9 अगस्त को पहला धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद भी उन्होंने ये मांग हमारी नहीं मानी गई। अब 29, 30, 31 अगस्त को हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अधिकारी सब इस संगठन के द्वारा इस धरने में मौजूद हैं और अपनी एक पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ सब एकत्र हैं। इसी तरह 8 अक्टूबर को भी एक लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन होगा। सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक, सभी अधिकारी वहाँ पर जाएंगे। तब भी मांग ना मानी गई तो 25
अगर अक्टूबर से हम लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे, हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। हमारा जो है पुरानी पेंशन बहाली का जो है एक सूत्रीय मांग है, और इसमें हमारे जितने भी नौजवान आ रहे 2005 के बाद में, सभी कर्मचारी हो या अधिकारी हो या शिक्षक हो, सभी की पेंशन बंद कर दी है। उसके तत्वाधान में हम सरकार को पहले 9 तारीख में चेता था, उसमें हमारी पूरी नहीं हुई, अब 3 दिन का धरना चलेगा। अगर इसमें पूरी नहीं करेंगे तो उसके बाद लखनऊ के लिए कुछ करेंगे। अगर हमारी पेंशन बहाल करानी है, नहीं करेंगे तो हम जो है इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। बुधवार को शामली बस स्टैंड पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SSP अनंतदेव तिवारी मौजूद रहे, जिन्होंने फीता काटकर एवं लोकार्पण कर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान चौकी प्रभारी सुनील कुमार सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं नगर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई रोमांचक मैच खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। ये मुजफ्फरनगर जनपद का जिला स्तरीय टूर्नामेंट है हॉकी का, और ये मेजर स्वर्गीय ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पे टूर्नामेंट खेल विभाग द्वारा कराया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। जनपद से कुल 9 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें विजेता उपविजेता टीमों को खेल विभाग की ओर से निर्धारित प्राइज दिए जाएंगे। नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री कन्या पाठशाला में जिला विज्ञान क्लब द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 30 विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा पॉलिथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर विज्ञान मॉडल्स प्रस्तुत किए गए, जिनका अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। वहीं प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बच्चों से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए कहा गया है, और नगर को और पर्यावरण को प्लास्टिक की चीज़ों से नुकसान न हो, प्रतियोगिता का विषय ये है। और इसमें हमारे जिले के लगभग 30 कॉलेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सभी छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक यहाँ पर प्रोजेक्ट जमा कराए हैं, और हमारे आज के इस कार्यक्रम में शिव कुमार यादव जी जो कि अध्यक्ष जी हैं प्रधानाचार्य परिषद के, और जेआईसी के प्रिंसिपल, डीएस कार्यालय से मुख्य उच्चाधिकारी, और SD गांधी कॉलोनी के प्रिंसिपल अनीता जी, और इसके अलावा ग्रीन चैम्बर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आदि यहाँ पे पदाधिकारण कर, और अन्य विद्यालय से बहुत अधिक शिक्षक और शिक्षिका यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग आए, सभी छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया, और मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि ये इतना सफल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बच्चों ने यहाँ किस तरह के मॉडल प्रस्तुत किए? बच्चों ने अनेक तरह के मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग करने के बाद उन्हें कंप्लीट तौर से किस तरह से डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, 90% तक प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग ना करके हम उसकी जगह पर किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, इस ओर भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं कि जिनसे हम प्लास्टिक का प्रयोग ना करके भी अपने जीवन को निरंतर उसकी शैली में कोई बदलाव कर सकते। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।